दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पास्ता रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देर न करते हुए पास्ता रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए कढ़ाई में हमने सबसे पहले पानी रख दिया है उबलने के लिए। तो एक छोटी चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। आप यहाँ पे सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने पास्ता उबलने के लिए डाल दिया है पानी में। पास्ता को हमें तेज़ आँच पर 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेना है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम पास्ता को एक छल्ली की सहायता से निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे प्लेट ले ली है। पास्ता को हम प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों जिस तरीके से हम आपके लिए पास्ता की रेसिपी बनाना बता रहे हैं, इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कढ़ाई में हमने रिफाइंड तेल, सरसों का तेल डाल दिया है और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। उसके बाद हम कटी हुई गाजर डाल देंगे। आप यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। गाजर को हमें 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, गाजर फ्राई हो गई हैं। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे और आधा गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हमें 1.5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकने देना है। 1.5 मिनट हो गए हैं, अब हम उबला हुआ पास्ता डाल देंगे। पास्ता का सारा पानी निकल गया था, आप देख सकते हैं। पास्ता है, पास्ता को हमने उबालते समय 1 चम्मच रिफाइंड तेल डाला था, इसलिए पास्ता परफेक्ट उबल के तैयार हुआ है। पास्ता बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। अब हम पास्ता मसाला डाल देंगे और पास्ता मसाला को हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है हमें पास्ता मसाला डालने के बाद। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे टमाटो सॉस। आप यहाँ पे चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1 चम्मच टमाटो सॉस डाला है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आज टिफ़िन में हमने हमारे बेटे को पास्ता बना के रखा था, उसको बहुत ही पसंद आया है। आप भी टिफ़िन में अपने बच्चे को पास्ता बना के रख सकते हैं, उसे भी बहुत ही पसंद आएगा। अब हम पास्ता में यहाँ पर चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालने के बाद हमें मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको धीमी आँच पर पकने देना है। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं। चीज़ डालने के बाद हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद हम मिक्स कर देंगे। तो गरम गरम पास्ता बनके तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम पास्ता को सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के होम्स कुकिंग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।